क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो उसने क्या बोला, इसने बोला है कि स्वाति स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट से रो कर रही, मतलब ठहर रही, ठीक है ना, बोट से जाती है। अब उसके बाद उसने बोला है, इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, मतलब वो अपस्ट्रीम जाने में 5.25 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाके और डाउनस्ट्रीम वापस आने में, मतलब डाउनस्ट्रीम आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब उसे अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 1 घंटे का ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर में दे रखिए, तो हम भी किलोमीटर पर आवर में ही लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब आपको टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 5.25 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर शांत पानी में कितनी है, 5 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, अब आपको स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम की। अब देखो स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है वाटर जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट जा रहा है, तो उसमें हमारी स्पीड होती है माइनस, तो आ जाएगी 5 माइनस का x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इस डाउनस्ट्रीम का मतलब जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ आपकी बोट भी जा रही है, तो स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला, अब आप टाइम निकालोगे ना, टाइम फॉर अपस्ट्रीम और टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, तो आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, जहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया, तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम वे ट्रेवल 5.25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 5.25, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 5 माइनस एक्स। इसी तरीके से टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 5.25 अपॉन में 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ये उसका अपस्ट्रीम का टाइम आ गया और ये इसका डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला भाई कि भाई उसको अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो उसका मतलब जो अपस्ट्रीम का टाइम है 5.25 अपॉन में 5 माइनस एक्स और जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 आवर है ना, 5 प्लस एक्स ये इक्वल टू कितना हो गया, 1 आवर हो गया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, 5.25 को तो सबसे पहले कॉमन लो, यहाँ पे 1 अपॉन में 5 माइनस एक्स 1 अपॉन में 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे और 5.25 का ना पॉइंट वाइंट हटाओ, ये पॉइंट से प्रॉब्लम होता है, अपॉन में आ गया 100, तो 5 से इसको अगर करूँगा तो आएगा सीधा 25 से काट लेते तो क्या आएगा आपका 21 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है जी, 25 से काट लेते अब आएगा 21/4, इसका एलसीएम लेंगे तो आएंगे 5 प्लस एक्स माइनस का 5 माइनस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स, ठीक है जी। अब ये देखो 21/4 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ गया 2x अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में, क्लियर है। उसको 2 से काटेंगे तो आएगा 2, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 21x इज इक्वल टू 50 माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर और प्लस का 21x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, और ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो 25 और 4 आ गए इसके फैक्टर ना, तो 2x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। x को मिलेंगे तो आएगा 2x प्लस का 25 माइनस 2 को मिलेंगे तो आएगा 2x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस का 25 को मना रहा है तो हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया माइनस का 25/2, तो स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती,
यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो स्पीड आपकी पॉजिटिव आ गई 2, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया।